हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मेरा नाम है हितेश मिश्रा। सभी लोगों को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे और आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। और मतलब सारे जो हमारे पूरे भाई बहन हैं धूमधाम से मना रहे हैं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएँ, रीजनिंग बाय हितेश सर, सारे भाई बहन। और इसके अलावा जो आप भाई बहन हैं उनको एक बात बता दें कि रीजनिंग का स्पेशल बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है एसएससी के सारे एग्जाम के लिए, दिल्ली पुलिस को भी ध्यान में रखते हुए। तो रीजनिंग के साथ साथ इंग्लिश, मैथ्स और जीके भी मिलेगा आपको, बेसिक से क्लास होंगी, डाउट्स होंगे, ये सब कुछ आपको हितेश मंजिलो के साथ मिल जाएगा। आप ज़रूर जुड़ें। कैसे जुड़ेंगे? सबसे पहले लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिएगा, मोबाइल नंबर भर के लॉग इन, गोल में सेलेक्ट कीजिएगा एसएससी, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिएगा, जितने महीने का लेना है वो हितेश मंजिलो लगा के लास्ट में पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी मजा आएगा, आपको काफ़ी मजा आएगा। तो जरा इसका आंसर बताएं डियर, क्या लग रहा है? व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? जरा तरीके से आंसर बताइएगा। और पूरे भारत के बच्चे भाई बहन इंजॉय कर रहे हैं त्यौहार को, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है, इसलिए वीडियो हम लोग देख रहे हैं। ज़्यादा मतलब मशगूल अगर हम लोग पर्व में हो जाएंगे तो फिर पढ़ाई छूट जाएगी, इसलिए दोनों को मैनेज करना है। तो आप गौर करिएगा, 691 है, इसमें हुआ क्या कि 9, 6, 15 और 1, 16, 16 का स्क्वायर जो है यहाँ ऐड कर दिया गया, मतलब 256, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 256 ऐड करते हैं तो फिर नहीं आ रहा है कुछ भी, तो इसमें क्या हो सकता है फिर, इसमें क्या हो सकता है फिर? या इसको आप ऐसे देखिए, इसको आप ऐसे देखिएगा तो जल्दी समझ में आएगा। ये देखिए 14 का स्क्वायर है, उसको पलट के लिख दिया गया। ये देखिए 17 का स्क्वायर है, उसको पलट के लिख दिया गया। ये जो है 9 का स्क्वायर है, उसको पलट के लिख दिया गया। तो 9, 3, 12 का स्क्वायर 144 होगा, उसको पलट के लिख देंगे तो 441 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे समझेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। इसको देखिए जरा सा, इसमें अलग कौन सा, विच वन इज़ डिफरेंट? इसको देखिए, इसमें अलग कौन सा है, विच वन इज़ डिफरेंट? क्या लग रहा है आपको? तरीके से इसका आंसर बताएं, क्या लग रहा है जरा सा समझाएं। हम चाहते हैं कि सारे भाई बहन का सही आंसर हो, सभी लोग सही आंसर करें और आगे बढ़ें, टॉपर बने। रक्षाबंधन पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा है, हमारे सारे भाई बहन उल्लास के साथ मना रहे हैं। जिनकी बहन नहीं है वो बस इतना रखेंगे कि दुनिया में कहीं पर भी कोई भी अगर लड़की हमें मिलती है ज़रूरतमंद तो उनको हेल्प करेंगे, तो वही हमारा रक्षाबंधन का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा उनके लिए। इसमें एक्चुअली देखेंगे तो 17 और 13 30, 26 और 4 30, 18 12 और 30, ये वाला अगर हम देखेंगे इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए डी आंसर है। फॉर द नेक्स्ट, इसको देखें डियर फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है जरा इसका आंसर बताएं क्या लग रहा है, ध्यान से और आराम से, ध्यान से और आराम से, ठीक है, ध्यान से और आराम से इसका आंसर बताएं। व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? जस्ट डू इट। देखिए थोड़ा सा उम्दा क्वेश्चन है ये, कैसे हो रहा है गौर कीजिएगा। 2 को 2 से गुना करेंगे, जोड़ 2 करेंगे तो 6, 6 गुना 3 जोड़ 2 तो 20, 20 गुना 4 जोड़ 2 तो 82, 82 गुना 5 और जोड़ 2 तो हम देख रहे हैं 5 गुना 10, 8 5 40 और 1 41 और जोड़ 2 तो ये 412 हो गया। 412 जो है ये आपका राइट आंसर है। क्लियर डियर? अगले में आइए, रक्षाबंधन। ओह माय गॉड, इसमें कितने पेयर बनेंगे ये पूछा गया आपको, रक्षाबंधन इसमें कितने पेयर बनेंगे जरा ये बताइए। और हो सकता है इसमें काफ़ी सारे बच्चे फंस जाएं, लेकिन इसका आंसर एक बार करने का प्रयास करें। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे, और भैया कहेंगे बहना मेरी शादी के बाद ना भुलाना, बहना मेरी,
इसको अगर देखिएगा तो सबसे पहला देखिए कहाँ से बन रहा है। आर से अगर हम स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स तो अभी नहीं होगा कोई। के से अगर हम स्टार्ट करें तो के से कोई बन रहा है? ए से बन रहा है? नहीं। एच से बनेगा? नहीं। ए बी, एक तो ये बन सकता है, सीधा में बात कर रहे हैं अभी हम। और इसके अलावा अगर हम उल्टा देखेंगे तो सबसे पहले ये वाला एच, ए से एच बनेगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये वाला अगर हम डी देखें या ये वाला अगर हम एच देखें तो एच से क्या बन रहा है? आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, एच से आर बन रहा है। ठीक है, डी से अगर हम देखें तो डी से क्या बन रहा है? डी से के बन रहा है, ई एफ जी एच आई जे के, तो डी से के बन रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एन से क्या बन रहा है? ओ पी क्यू आर एस, एन से एस बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो और कौन सा बन रहा है? ए से बी बन रहा है, और इधर से एक बना था, तो इस तरफ से एक और इधर से पाँच, तो टोटल कितने के साथ चला जाएगा? छः। सिक्स इज द राइट आंसर। इसको देखें जरा सा, एक घड़ी में, घड़ी के प्रतिबिंब में, एक दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 7:45 दिख दे रहा है, तो वास्तव में सही समय क्या है? वास्तव में सही समय क्या है? जरा इसका आंसर बताएं, क्या लग रहा? प्लीज शेयर मोर एंड मोर टू ब्रिंग मोर एंड मोर स्टूडेंट्स। ये सारे भाई बहनों से नम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा अपने पास आ जाए और मज़ा आ जाए। और रक्षाबंधन है आज, आज तो और भी उमदा होना चाहिए क्लास, है कि नहीं? थोड़ा सा छोटा रखें क्लास, क्योंकि आज आप लोगों का थोड़ा सा फेस्टिव मूड है, रक्षाबंधन वाला मूड है, तो थोड़ा सा छोटा रखें। तो इसको अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 11:60 से अगर हम 7:45 को घटा देते हैं तो ये 4:15 के साथ चला जाएगा। नहीं, 4:15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले में आते हैं। इसको देखिए, यदि मई का 25वां दिन रविवार है तो पिछले महीने का 10वां दिन कौन सा था? पिछला मतलब अप्रैल का, अप्रैल का 10वां दिन पूछा जा रहा है, तो जरा बताएं इसका आंसर क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद जा रहे हैं आप लोग। मई का 25वां दिन रविवार है तो पिछले महीने का 10वां दिन पूछा जा रहा है। इसको हम लोग इजीली बना सकते हैं, तरीके से बना सकते हैं, तो देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे सही करते हैं। ठीक है, कितने बच्चे सही करते हैं? 25 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो 18, 18 में 7 घटाएंगे तो 11, 11 में 7 घटाएंगे 4, 4 में फिर से 7 घटाओगे तो 1, 4, 3, 2, 1, तो यहीं तक हो गया। फिर 30, 29 और 28, 28 तक पहुंचोगे, क्योंकि 28 के बाद देखो 29, 30, 1, 2, 3, 4, 28 अगर हम जा रहे हैं तो 28 के बाद 29, 30, 1, 2, 3 और 4, तो 27 तक पहुंचेंगे फिर, तभी हो पाएगा। तो 28, 29, 30, 1, 2, 3 और 4, ठीक है डियर। 27 में फिर 7 घटा दोगे तो 20, और 20 में फिर 7 घटा दोगे तो 13, 13 तारीख को भी हम देख रहे हैं संडे ही आ रहा है अप्रैल में, 13 अप्रैल को भी, लेकिन हमें तो 10 को जाना है ना, तो ये हो जाएगा सैटरडे, ये हो जाएगा फ्राइडे और ये हो जाएगा थर्सडे, तो अपना जो आंसर है वो थर्सडे के साथ चला गया, थर्सडे इज द राइट आंसर। इसको देखें, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं जरा इसका उत्तर बताएं डियर फ्रेंड्स, क्या लग रहा है? What do you think is the right answer for this particular question? Just do it. क्या बात है? 13 संख्याओं का औसत 68 है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो बताएं सातवीं संख्या क्या है? आसान है, ईजी है, प्रयास कीजिएगा बन जाएगा। जरा बताएं इसका आंसर क्या होगा, कुछ करना थोड़ी है, सातवीं संख्या जो निकालनी है तो आप इसमें क्या करोगे पता है आपको? आप इसमें करोगे क्या, 7 गुना 63, ठीक है, प्लस 7 गुना 70, इन दोनों को अगर हम वर्किंग कर लें और माइनस कर लें 13 गुना 68, तो ये आ रहा है 441 और ये आ रहा है 490, और उसमें से 884 को अगर हम घटा दें तो हमारा जो आंसर है वो 47 के साथ चला जाएगा, तो 47 इज द राइट आंसर, इजी था।
इसको देखें जरा सा, ये जो प्रश्न है इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। बहुत ही उम्दा प्रश्न है, काफी बच्चे फंसेंगे इसमें, काफी बच्चे फंसेंगे इसमें, है ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी बच्चे फंसने वाले हैं, तो जरा आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। एक शीशे के जार में एक प्रकार का कीड़ा रखा गया जो प्रत्येक अगले दिन दुगुना हो जाता है, यदि जार 30 दिनों में पूरा भरता है तो आधा कब भरा होगा? तो इसका आंसर जो है, सीधी सीधी बात है, बच्चे फंस रहे होंगे, 29 होगा ना जी। 30वें दिन अगर वो 2x हुआ, इसका मतलब 29वें दिन वो x था, तभी तो ये 2x हो गया होगा। तो सीधा आंसर है कि 29 दिन में वो आधा भरा होगा, 29 दिन में वो आधा भरा होगा, है ना? इसको देखें जरा सा, टेलर, इसको जरा देखें इसका आंसर क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। तरीके से आंसर करें डियर, मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा ऐसा हो जिनका आंसर छूट जाए, सारे बच्चे आनंद तरीके से आंसर करें, क्या लग रहा है ये बताएं। जबरदस्त, शानदार जा रहे हैं आप लोग, गौर करिएगा। टेलर, TALOR, यहां लिखा हुआ है 9, 12, 15, 18, 26 और 7। ये अपोजिट हो रहा है एक्चुअली, ये अपोजिट है, इसका अपोजिट है, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है। यहां देखें तो T का क्या हो जाएगा? G, तो 7 होगा। E का क्या होगा? V, तो 22 होगा। ये खत्म, ये खत्म। तो यहां पर अगर हम देखें फिर डी जो है इसका अपोजिट क्या होगा? 23 होगा, तो ये भी खत्म। तो आंसर किसके साथ चला गया? ए के साथ, मतलब बी के साथ। बी इज द राइट आंसर, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये देखिए, माँ डॉक्टर महिला और पुरुष, माँ डॉक्टर महिला और पुरुष, कैसा रिलेशन बनेगा इसमें? जरा तरीके से आंसर बताइए और सही आंसर बताइएगा, क्या लगा? रेलवे में आजकल चार वाला पूछा जाता है डियर फ्रेंड्स, रेलवे में आजकल चार वाला पूछा जाता है, तो जरा बताएं इसका आंसर क्या होगा। माँ महिला पुरुष और डॉक्टर, तो आंसर बहुत ही आसान है इसका, बोलो कैसे? मैं बताता हूँ, एक इसका आंसर वैसे बी होगा, हमेशा महिला ही माँ होगी तो तय है, महिला भी डॉक्टर हो सकती हैं और माँ भी डॉक्टर हो सकती हैं और पुरुष भी डॉक्टर हो सकता है। तो इसी वजह से यहां पर आपने क्या देखा, ये हो गई महिला, ये हो गई माँ, ठीक है, ये हो गई डॉक्टर और ये हो गए पुरुष, ठीक है। ये देखें आप, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका जरा उत्तर बताएं क्या लग रहा है। व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर? पहला सही है, दूसरा सही है, क्या? अगर आप हिंदी भाषा के अच्छे वक्ता हैं तो हमारे पास आपके लिए एक नौकरी है, और क्लास आज थोड़ा सा छोटा रखेंगे क्योंकि आज फेस्टिव माहौल है, तो हमने बोला क्लास तो खाली नहीं जाना चाहिए, क्लास जरूर करेंगे पर छोटा रख लेंगे थोड़ा सा, ताकि आप भी इंजॉय कर लें, है कि नहीं? रक्षाबंधन है, खुशी से एकदम मिठाई खाइए, बहनों के साथ समय बिताइए। अगर आप हिंदी भाषा के अच्छे वक्ता हैं तो हमारे पास आपके लिए एक नौकरी है। अच्छा वक्ता कभी भी बेरोजगार नहीं होता है, ऐसा बात नहीं है, हमें हिंदी लैंग्वेज में एक अच्छे वक्ता की जरूरत है, सही बात है, इसलिए दूसरा सही होगा, ठीक है डियर। 11 शुभ होता है इसलिए 11 तक ही क्वेश्चन रखेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग का जो नया बैच है डियर फ्रेंड्स, वो ऑलरेडी स्टार्ट हुआ था अभी लास्ट वीक ऑफ जुलाई में, और फिर से एक बैच हम लेके आ रहे हैं 2-4 दिन के अंदर, स्पेशली दिल्ली पुलिस जितने भी SSC के आने वाले एग्जाम हैं सबके लिए। साथ में इंग्लिश, मैथ्स और GK भी शुरू हो रहा है टॉप एडुकेटर का, बेसिक से पढ़ाई होगी, सभी क्लास का आपको PDF विद सॉल्यूशन मिलेगा, डेली आपको प्रैक्टिस होगा, स्पीड टेस्ट, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, सारे सब्जेक्ट के न्यू पैटर्न के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर, ये सब कुछ आपको हितेश YT के साथ मिलेगा। अगर आपने हमें अभी तक अनअकेडमी पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज 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 हमें फॉलो करें, मेरा नाम है हितेश मिश्रा, ठीक है। और कैसे जुड़ेंगे? सबसे पहले लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें, मोबाइल नंबर भर के लॉग इन करें, गोल में SSC सेलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करें,
एसएससी का जो अभी फीस चल रहा है 12 महीने का वो मात्र 5400 है, एसएससी का जो 24 महीने का फीस है वो मात्र 6480 रुपया है। आप रेलवे का अगर लेते हैं तो मात्र 600, 6 महीने का 3600 और 12 महीने का 4500। पेमेंट कैसे भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, भीम, यूपीआई, ईएमआई जो ऑल्सो अवेलेबल, मंथली पेमेंट भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्या क्या मिल रहा है, कंप्लीट कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट, वन टू वन इंटरेक्शन, 1 आवर डेली क्लास, बेसिक टू हाई, प्रीवियस ईयर, सारे सब्जेक्ट टेस्ट, ये सब कुछ हितेश वाइटी के साथ है। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो हमें टेलीग्राम करें या हमें व्हाट्सअप करें कि सर मुझे आपका कोर्स लेना है, आज रक्षाबंधन पर अपने आप को गिफ्ट देना है, मुझे नौकरी के लिए एक कदम बढ़ानी है, बहन का जो शादी है वो धूमधाम से करना है, अच्छे गिफ्ट देने हैं, ठीक है ना। तो जरूर इस तरह से फॉलो करें, लर्निंग ऐप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर भर के लॉग इन, गोल को सेलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक, जितने महीने का लेना है वो हितेश वाइटी लगाकर लास्ट में पेमेंट कर दें। रोज सुबह अकेडमी पर 8 से 9 और शाम 7 से 8 अपना सेशन होता है, इसके लिए आप हमें फॉलो कर लें। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमें फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है डियर, मिलते रहेंगे इसी तरह के अन्य क्लास में। थैंक यू, हैप्पी रक्षाबंधन, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें और रक्षाबंधन धूमधाम से मनाएं। इतना सुंदर राखी आपके हाथ में लग रहा है, इसको एंजॉय करें। बाय बाय।